नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रतिका हिंदी स्टोरी। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज की हमारी स्टोरी लिखी है मेरे गुरुजी डॉक्टर श्री धर्मवीर सिंह जी ने। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का नाम है न्यायकारी राजा। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। उसके न्याय की चर्चा चारों ओर होती थी। न्यायकारी राजा चतुर बुद्धिमान और बलवान भी था। एक दिन की बात है कि राजा अपने दरबार में बैठा था। सब दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। तभी दो महिलाएं रोती झगड़ती हुई दरबार में आती हैं। उनके पास एक महीने का बच्चा था। दोनों महिला उस बच्चे को अपना अपना बच्चा बताकर आपस में लड़ रही थीं और उस बच्चे को कभी एक औरत छीन लेती तो कभी दूसरी औरत छीन लेती और काफ़ी उत्पात मचा रही थीं। राजा ने कहा, क्या मामला है, क्यों उत्पात मचा रखा है? एक महिला ने रोते हुए कहा, महाराज यह मेरा बच्चा है और इस औरत ने मेरा बच्चा छीन लिया है और मेरे बच्चे को अपना बच्चा बता रही है। तभी दूसरी औरत ने रोते हुए कहा, महाराज यह मेरा बच्चा है, मैं इसकी माँ हूँ, लेकिन यह कमीनी मेरे बच्चे को अपना बच्चा बता रही है और मेरा बच्चा छीन लिया है। यह कहकर वह रोने लगी। राजा आश्चर्य में पड़ गया। राजा बोला, किसका बच्चा है, साफ साफ बताओ। दोनों महिला रोते हुए बोली, महाराज यह मेरा बच्चा है, और बच्चे की छीना झपटी करने लगी। राजा क्रोध में आकर बोला, ठहरो, इस बच्चे को फर्श पर लिटा दो, मैं दोनों का न्याय करता हूँ। सैनिकों ने महिला से बच्चा छीन लिया और फर्श पर लिटा दिया। तब न्यायकारी राजा ने अपनी तलवार उठाई और बोला, अब न्याय मेरी तलवार करेगी, मैं अभी इस बच्चे को काट कर दोनों को दे देता हूँ। राजा ने जब तलवार उठाई तभी एक महिला कांप उठी और रोती हुई बोली, महाराज बच्चे को मत मारो, बच्चा चाहे इसे दे दो, मेरा बच्चा जीवित तो रहेगा। राजा बोला, नहीं, मैं तो दोनों को एक एक टुकड़ा दे दूंगा। राजा ने तलवार लहराई। बच्चे की माँ ने राजा के पैर पकड़ लिए और बोली, मुझे नहीं चाहिए बच्चा, आप इसे ही दे दो मेरा बच्चा महाराज। राजा ने अपनी तलवार मयान में की और वह बच्चा उसकी माँ को दे दिया। दूसरी महिला को राजा ने डांट लगाई और बोला, तुम दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा बता रही हो। दूसरी महिला बोली, महाराज आपका न्याय सबसे ऊपर है, मेरा भी कोई बच्चा नहीं है, इसलिए मैंने इसका बच्चा चुराया था, लेकिन आपने तो अद्भुत न्याय कर दिया, बच्चा असली माँ को दे दिया। राजा बोला, इस दूसरी महिला को चोरी के जुर्म में 1 वर्ष का कारावास दिया जाता है और बच्चा और माँ को सम्मान के साथ उसके घर पहुँचा दो। सैनिकों को आदेश दिया। महिला अपना बच्चा पाकर न्यायकारी राजा की जय, न्यायकारी राजा की जय कहती हुई घर पहुँची और सब परिवार प्रसन्न हो गया। जय न्यायकारी राजा की जय। तो दोस्तों, आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।